अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है और नवीन पाठक जी को गोविंद गिरी जी और वैभव राय जी ने जो ये स्टेप उठाया है, अच्छा प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, उसके लिए सबको काफ़ी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें, ले जाएंगे हम। जी मैम, आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे? हम सब लोग जो जितने लोग भी इकट्ठे हुए हैं वो शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए। नई चीज़ जब शुरू होती है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं काम को लेके। तो हमारे प्रोड्यूसर्स जो मिलके कुकी इंटरनेशनल फिल्म की जो शुरुआत हुई है, तो हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, ढेरों सारी बधाइयां हैं कि आप अच्छी अच्छी फिल्म बनाएं, ताकि हमारे समाज में जो लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ें लानी परोसनी चाहिए जो दर्शक हमारे देख सके, तो इसी उम्मीद के साथ हम सब जुड़े हुए हैं कि कुकी इंटरनेशनल फिल्म जो है बहुत अच्छा काम करे, हम सब साथ मिल के भी काम करें। तो हमारी ढेरों शुभकामनाएँ हैं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ। जब एक नया प्रोडक्शन हाउस खुलता है या तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा या उम्मीद ही जगती है, कंपटीशन ही बोलेंगे इसको क्योंकि कंपटीशन ही बढ़ता है तो उम्मीद ज्यादा जगती है। जी सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? रोशन सर जी हैं, काफ़ी कुछ कलाकार आए हैं, मेहमान आए हैं। सबसे पहले तो मैं रोशन जी का स्वागत करूंगा और इन्होंने अपने आप कीमती समय निकाल के हमारे ऑफिस का ओपनिंग किया। थैंक यू रोशन जी का और मैम का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें कुछ अच्छा सोच के ही आदमी इंडस्ट्री में आया है, अच्छी अच्छी चीज़ें करने, कुछ सर का आशीर्वाद, मैम का आशीर्वाद, बाकी सब इंडस्ट्री के लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज के सभी लोगों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम लोग इस फील्ड में आए हैं और हमारी उम्मीद यही रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे फिल्म मार्केट में उतारूँ और अच्छे से अच्छे काम करूँ, ताकि लोगों को रोज़गार मिले, बेहतर जो है सारी चीज़ें हों और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट पर हम लोग लगे। अच्छा, रोशन जी का कितना साथ आप लोगों को मिला, क्योंकि एक बहुत बड़े जो है भोजपुरी में एक बड़ा पिलर है, भोजपुरी का सपोर्ट है, मतलब आ ही गए तो बैठ ही गए इसी पे, तो आना सबसे बड़ी बात है, आना मतलब आशीर्वाद है हमारे साथ, तभी सर आए हैं, बिना आशीर्वाद के सर कहाँ आते हैं, तो ये इनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारा साथ हमेशा रहता है लोगों के साथ जो अच्छा काम कर रहे हो। सर के म्यूजिक का सपोर्ट में रहते हैं बहुत, सर के म्यूजिक जो कंपनी है एक नई पहल कर रही है, नया पहल तो हरदम नहीं करती है, लेकिन पिक्चर बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे लेके आ रही है, एक बॉलीवुड लेवल पे लेके जाती है, तो क्या कुछ और नए प्रोडक्शन हाउस को बोलना चाहेंगे इस तरह की फिल्में लेके आए? देखिए, हम इतना काम कर रहे हैं, अभी भी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही भोजपुरी की बात आती है हम अपने सर छुपा रहे होते हैं, सो हमें वही काम करना है जो हम अपना सर ऊंचा करके चल सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें, और इसलिए और रीज़न यही है कि मैं जब फिल्म बना रहता हूँ मैं यही कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, ना मैं कभी बजटिंग करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फिल्म बनाता हूँ और इस सोच के साथ बनाता हूँ कि मैं सर ऊंचा करके चल सकूँ। सर, रणदे बसंती की चर्चा काफ़ी कुछ हो रही है, उसके अंदर बहुत जो गाना अभी आया था, इतना भव्य गाना आया है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक भोजपुरी में इतना बड़ा भव्य गाना आया होगा। इसके अलावा उस फिल्म के अंदर जो कलाकार हिंदी के बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो गा रहे हैं, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसके लिए? रणदे बसंती से रिलेटेड मैं तो इंटरव्यू से दूर रहता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं बार बार मैं मना करता हूँ, लेकिन हम लोग अपनी चीज़ को बड़ा बोलने की नहीं कोशिश करते, बट डेफिनेटली जो हमने गाना शूट किया है दलेर जी के साथ, जो खेसारी जी हैं उस गाने में, ये गाना बहुत ही आपने खुद देखा है, लोगों ने अप्रिशिएट किया और जिस वे में शूट किया गया, इट्स अ बिग सॉन्ग एंड ह्यूज सॉन्ग है, लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बार दर्शकों को बता देंगे कि ये पिक्चर कभी देखने को मिलेगी? कल आपको पता चलेगा डेट, एक्चुअल कि डेट क्या है और कब है। मैंने भी काम किया, टू वेट फॉर वन डेट, रीना जी हैं उसमें, रीना जी ने भी काम किया है फिल्म। थैंक यू जी। हमारे प्रिय अशोक जी, जिनको मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ, और इन्होंने जो भी वर्क किया है बहुत ही मेहनत और बहुत ही कर्तव्यपूर्ण तरीके से किया हुआ है, और ये कभी पीछे मुड़ के देखने वाले व्यक्ति नहीं, इन्होंने जो ऑफिस ये आज चालू किया है इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, और ये नए अवसर नए लोगों को देते हैं और इनको इस चीज़ का अनुभव बहुत अच्छा है, और मुझे बहुत ही खुशी है, मैं ऊपर वाले से महादेव की कृपा इन पर बनी रहे हमेशा। मैं बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ देना चाहूँगा अशोक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आप सदैव आगे बढ़ते रहिए, यही ईश्वर से सदैव मेरी प्रार्थना रहेगी। जी सर, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और कुकी इंटरनेशनल फिल्म्स
उसके बाद कॉल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म, दो प्रोडक्शन हाउस हमारे दिल के करीब है, और जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं जो अभी स्ट्रगलर हैं और जो काम कर रहे हैं, हमने ये लगभग फाइनल किया है कि सबको ऐसा काम करें, सबको रोज़गार मिले, हम इतना कोशिश कर पाएँ कि अपनी प्रोडक्शन हाउस से कुछ अच्छी चीज़ें करें, कुछ यूनिक करें, कुछ अलग करें। भोजपुरी थोड़ा सा लोगों को, मैं उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन लोगों को देखने में, लोगों को समझने में दूसरे वे में समझने लगते हैं लोग, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का माइंड सेट करें, लोगों के दिमाग में भरें कि नहीं, भोजपुरी भी बहुत अच्छी फिल्म बनाती है, भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी है, भोजपुरी के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये मिठास है भोजपुरी में, इंटरनेशनल इस समय बोली जाने वाली है भोजपुरी। और सभी देश के सभी कलाकारों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, आमंत्रित करता हूं इस प्रोडक्शन हाउस में, और जो हैं नवीन पाठक जी और हमारे गोविंद गिरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कदम, उचित कदम और शानदार कदम उठाया भोजपुरी के लिए, आपको सहृदय आभार, आप सभी भोजपुरिया भाइयों को फिर से नमस्कार। सर, कितना मनोबल बढ़ जाता है कि एक नए प्रोडक्शन हाउस को, भोजपुरी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस के मालिक खुद आते हैं और मोटिवेट करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और अगर ऐसी चीज़ें भोजपुरी में आने लगें तो भोजपुरी का जो जीर्णोद्धार है वो होने वाला है। अगर ऐसे लोग जो कंपनी के ओनर हैं वो खुद आकर इस चीज़ को करते हैं और उस चीज़ को मानते हैं, उस चीज़ को दर्शाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, ये भोजपुरी के लोगों का सौभाग्य है, और भोजपुरी के जो भी बोलने वाले लोग हैं विदेशों में, देशों में, उनका सबका प्यार और आशीर्वाद है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं और आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस प्रोडक्शन हाउस से सबसे पहले क्या चीज़ आने वाली, जरा वो खुलासा कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमने कोशिश किया है इस प्रोडक्शन से जो भी निकल के आएगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो भी निकल के आएगा वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, और भोजपुरी को जो लोग, बहुत सारे हिंदी शो होते हैं उसमें थोड़ा सा वो दिखाया जाता है, तो वो कभी भी अब वैसा नहीं देखने को मिलेगा। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं, इस प्रोडक्शन हाउस से ये चीज़ें निकाल के लाने वाले हैं, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, कुछ अलग करें। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पहले तो मेरे तरफ से कुकी इंटरनेशनल को बहुत बहुत प्यार एंड बधाई, एंड नवीन जी को मैं स्कूल के दिनों से जानता हूँ, मेरे साथ पढ़े हैं, और मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार। जानना चाहेंगे क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे इस प्रोडक्शन को? कि मैं अपना परिचय बता देता हूँ, मेरा नाम राकेश सिंह भदौरिया है, हम 2007 से डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, भोजपुरी की फिल्मों के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली मूवी थी हमें खलनायक, बलिदान, कबू छोटे नसाद, घर के चिराग, सजन हमार, बबलगर छेदिया जैसी करीब हमने 25 से 30 फिल्मों का निर्माण भी किया और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। और मैं बधाई दूंगा नवीन जी को और गोविंद जी को, इन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और ये चाहते हैं कि बेहतरीन भोजपुरी का वो दौर जो बीच में डबडबा रहा है वो वापस शुरू हो, और बेहतर कहानी और बेहतर कलाकारों के साथ में ये प्रयास कर रहे हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री का पुनरुत्थान वापस हो और जो बेहतर ये सोच लेकर आए हैं उसमें सफलता प्राप्त हो, मेरी शुभकामनाएँ आपको। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आज रोशन सर जी आए हैं, पिता भी काटे हैं, और ये प्रोडक्शन हाउस क्या कुछ निर्माण करने वाला है? देखिए, कुछ अच्छा सोच के ही हम भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं। पहले तो हम ये सोच के आए हैं कि भाई कुछ अच्छी चीज़ें हों, जिस ट्रैक पर भोजपुरी चल रही है या जिस तरह की पिक्चरें बन रही हैं। पहले तो जो पिक्चर बनती थी और आज में बहुत अंतर आ गया है, आज कुछ अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, कुछ अच्छे लोग इंडस्ट्री में जुड़े हैं कि जो सही दिशा में अब कदम एक एक बढ़ा रहे हैं, उसी दिशा को हम और धार देने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं, और हम ये टारगेट लेके आए हैं कि भैया साल में हम 5 से 10 पिक्चर कर रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मूल मंत्र हमारी कंपनी का भी है, कुकिंग इंटरनेशनल फिल्म्स का, और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन के बैनर तले अच्छी अच्छी मूवी बने,
हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जो पिक्चर भोजपुरी के नाम पे लोग मुँह सी उड़ाने लगते हैं, तो कहते हैं भोजपुरी, लोगों को लगता है कि भोजपुरी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, अच्छी पिक्चरें बन ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। इस सोच को हम बदलने आए हैं और हम चाहते हैं कि भोजपुरी में भी अच्छी पिक्चरें बने जिसमें लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकें और थिएटर में भी जाके देख सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ भोजपुरी में ये है कि भोजपुरी पिक्चरें थिएटर में नहीं लग पाती हैं, लगती भी हैं तो दर्शक नहीं जा पाते हैं। इस भ्रम को दूर करना है, चीज़ें अच्छी बन, क्योंकि देखिए भोजपुरी बोलने समझने वाले पूरे विश्व में 25 करोड़ से ऊपर लोग हैं, वो लोग हिंदी पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में, भोजपुरी के लिए नहीं जाते हैं। इस सोच को हमें बदलना है और इस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि भोजपुरी पिक्चर भी थिएटर में लगे और दर्शक जाएँ देखें, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, जितने आर्टिस्ट हैं सबको इस चीज़ का फायदा मिला। सर ये जानना चाहूँगा कि वक्त बदला सर, लोग एक समय साइकिल से चलते थे, आज कम से कम बाइक से जा रहे हैं सर, थिएटर की मल्टीप्लेक्स की। बिल्कुल, थिएटर कहने का मतलब मेरा ये है कि थिएटर के साथ साथ मल्टीप्लेक्स भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर, मल्टीप्लेक्स में PVR या जो भी है सिनेप्लेक्स टाइप के हैं उसमें भी लगे, क्योंकि देखिए कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कोलकाता, जहाँ भोजपुरी बोलने वाले समझने वाले लोग नहीं हैं, हर जगह लोग हैं। लेकिन उस सोच को बदलना है कि लोग डरते हैं इस बात को बोलने में कि भाई हम भोजपुरी वाले हैं या हम पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, उनको एक डर सा बना रहता है, उस डर को ख़त्म करना है, वो डर खत्म होगा तो लोग ऑटोमेटिक मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे। सर ये जानना चाहेंगे क्योंकि आज इसका उद्घाटन हो गया ऑब्वियसली, एक सोच लेके आप आए होंगे, सबसे पहली फिल्म कौन होगी, कौन कलाकार होगा अगर दर्शकों को बना सकते? देखिए पिक्चर तो हम, दो पिक्चर हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन में है, लेकिन अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत जल्दी हम आपको बुलाएंगे और इस चीज़ की घोषणा हम करेंगे कि हम कौन कौन सी पिक्चर अभी ले के आ रहे हैं, कौन कौन कलाकार हैं। फिलहाल हमारे साथ आनंद जी बैठे हुए हैं, एक पिक्चर हम आनंद जी के साथ कर रहे हैं, ये फाइनल हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और भी सर, एक्टर का नाम घोषित करें, एक्टर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं स्टोरी पे, और जैसे ही सर के साथ वैभव जी और पूरी टीम जैसे हमारी स्टोरी पे डन हो जाए स्टोरी हमारी, तो जल्दी सर ने बोला ना कि अनाउंस करते हैं, जल्दी अनाउंस, जल्दी अनाउंस, बिल्कुल। किसके किसके साथ बता सकते हैं? जी सर आप बताइए कुछ, आप खुलासा कीजिए, इतने डायरेक्टर आपके साथ हैं, जब इतना कुछ भैया लोगों ने खुलासा कर ही दिया है तो मैं आपको, एक्टर आज तनु जी हमारे पहले फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो एक मैं आपको अनाउंसमेंट कर ही दे रहा हूँ कि फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर हमारे आनंद जी हैं, उस फिल्म के हीरो कल्लू जी हैं, और इसके अलावा आप लोगों को फिर से जब दूसरी चीज़ें रहेगी, तीसरी रहेगी, चौथी रहेगी, पाँचवीं रहेगी, तो इंडिविजुअलेशन होता ही आता ही रहेगा, तो अभी फिलहाल मैंने बचा हुआ मैं पूरा कर दिया। बहुत बड़ा चीज़ मैंने देखा है कि भोजपुरी के कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एक जगह इकट्ठा नहीं होते, सर आपने कैसे कर लिया कि सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब इकट्ठा कर लेते हैं सर, और अभी शुरुआत हो रही है, पूरा दिन बाकी? देखिए नियत अच्छी हो ना तो कारवां साथ में चलता है, तो हम अच्छे नियत से इस फील्ड में आए हुए हैं और उसी अच्छी नियत से हमने सबको इनवाइट किया है और आपके सामने है, सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो इकट्ठा करना तो अच्छी बात है लेकिन साथ कब तक है ये जरूरी है। आनंद जी क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं प्रोडक्शन हाउस को, सर को, और ये हमारे वैभव भाई जो शुरू से बहुत दिनों से लगे हुए हैं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ और आज यहाँ तक आए हम लोग, और सर के साथ हमारी मुलाकात हुई तो यही चर्चा हुई जो सर यहाँ बोल रहे हैं वैसे ही हम लोग होटल के कमरे में मिले थे। कारण जी देखिए सिनेमा तो सब बना रहे हैं, कुछ ऐसा बनाया जाए जो एक समाज को कुछ ना कुछ संदेश दे, और थिएटर्स में पब्लिक आए, जैसे आपने बोला थिएटर्स के नाम पर कि मल्टीप्लेक्स क्यों नहीं, तो कहने का मतलब कि बस सिनेमा देखने तो पहले आए, और आज ऐसा नहीं, थिएटर्स में अच्छी फिल्में जा रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, अगर अच्छी फिल्में, अच्छी सिनेमा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तब देख रहे हैं। अभी पीछे के दो चार फिल्में हमको लग रहा है कि बहुत अच्छी रही, दिनेश जी की, जैसे मेरी फिल्म मंडप अच्छी, अच्छा रहा, यहाँ PVR में लगा और 7 दिन इधर, 1 हफ्ते PVR में, उधर मीरा रोड में भी, फिर उसके बाद संघर्ष 2 ने भी अच्छा कमाल किया,
फिर बीच में फरिश्ते करके एक फिल्म आई थी, वो तो खेसारी जी की, तो करने को डोली सजा कर रखना। अभी एसआरके म्यूजिक से ही मंडप थी हमारे, एसआरके म्यूजिक से ही रंग दे बसंती एक बड़ी फिल्म आ रही है, तो कहने का मतलब अभी सिनेमा अच्छा बन रहा है मेरे हिसाब से, जहाँ जैसे सर का सोच है, रोशन जी, रत्नाकर जी जो बड़े अपने प्रोड्यूसर्स हैं अपने, तो सिनेमा तो आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं। वैभव जी के लिए क्या कहेंगे जो वैभव जी और हम उस जमाने से मित्र हैं जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और वैभव जी लीड एक्टर में काम कर रहे थे, दो तीन फिल्में हम लोग किए हैं, तो अब बहुत अच्छे एक्टर। नई शुरुआत हुई है, एक नया सवेरा यहाँ पर एक नए कार्यालय की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए सबसे देंगे आशीर्वाद, देखिए सबसे पहले तो आज गणतंत्रता दिवस है, तो समस्त भारतवासियों को आपके माध्यम से गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और रही बात नई शुरुआत की, तो नई शुरुआत जहां भी होती है अच्छा लगता है, और रही बात बधाई दूंगा कि आशीर्वाद, तो शायद उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँगा मैं भैया लोग से, तो मैं आशीर्वाद दूंगा और बधाई शुभकामनाएं सब दूंगा कि स्वागत है आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में, आइए काम करिए, अच्छा काम करिए, और आप जो सपने लेकर आए हैं वो सारे सपने सच हों और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा एक मुकाम तक पहुंचे। तो आप दोनों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और ढेर सारा शुभाशीष। धन्यवाद समर भैया, ये लोग फिल्में भी प्लान कर रहे हैं क्या, इनके फिल्मों में आप काम करेंगे, हिस्सा होंगे? नहीं देखिए, अगर कहीं कुछ ऐसा संयोग बैठा और अगर चीज़ें हुई तो बिल्कुल, अगर मेरी उपलब्धता रही तो मैं बिल्कुल काम करूंगा। और ये एक कलाकार होने के नाते, जैसे वैभव है, वैभव राय वो छोटे भाई हैं, तो अब जब अपने ही लोग आवाज़ देंगे तो क्यों नहीं काम करेंगे, बस ये है कि उपलब्धता होनी चाहिए। देखिए नया प्रोडक्शन हाउस जब भी खुलता है तो हम उसको कलाकार के नज़रिए से ज़्यादा उस नज़रिए से देखते हैं कि इस प्रोडक्शन हाउस से 150-200 कलाकार, उनका परिवार जुड़ेगा और एक अच्छी पहल होगी, समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं उन सारे प्रोडक्शन हाउस के लोगों को जिन्होंने कुकी और इंटरनेशनल सारी फिल्में, जो भी लोग हैं, वैभव राय जी हैं, गोविंद जी हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक इंडस्ट्री के लिए नया प्रोडक्शन हाउस मतलब बहुत बड़ी बात होती है। कुकी इंटरनेशनल फिल्म और कालटेक्स इंटरनेशनल फिल्म्स को मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। एक नई कंपनी आई है मार्केट में, काफ़ी उम्मीद है, अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छा अच्छा काम होगा, समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छी फिल्म बनेंगे, इनके इरादे नेक हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी समाज के लिए। तो मेरी तरफ से इन लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा करें, लोगों को अच्छा चले, अच्छा काम। जी सर, क्या तो संतोष पुरी जी, क्या जी? नमस्कार सबसे पहले, और राम मंदिर बनने पे आप सबको बधाई, और कुकी इंटरनेशनल और कॉल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म्स को बहुत बहुत बधाई जो आज हम लोग यहाँ आए हैं, और वैभव जी, नवीन जी, गोविंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि एक फिल्म के साथ कम से कम 70-80 टेक्नीशियन जुड़ के काम करते हैं, और इतने सारे लोगों का मतलब घर चलाना एक प्रोड्यूसर का ही मतलब वो भाग्य में होता है, वही चला सकता है। और हम लोग टेक्नीशियन होने के नाते यही कहेंगे कि ऐसे प्रोड्यूसर और आए हमारे इंडस्ट्री में कि हमारा इंडस्ट्री और बड़ा हो, जिससे रोजी रोजगार बढ़े, लोगों को काम मिले। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कुकी इंटरनेशनल और कॉल्टेक्स इंटरनेशनल फिल्म को, जो इस कार्य में वो आगे आए हैं और नित नवीन फिल्म बनाने का जो उन्होंने प्रण लिया है वो सफल हो, यही मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वैभव जो है मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, और साथ में हम लोग सीसीएल भी खेलते हैं, तो एक दोस्त, एक को एक्टर आगे बढ़े तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अपने जब लोग आगे बढ़ते हैं। वैभव बहुत मेहनत करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है उसकी मेहनत रंग लाई, उसने प्रोडक्शन हाउस खोला और अभी म्यूजिक कंपनी खोली, मेरी आज गणतंत्रता दिवस भी है, और
देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में मेरे दोस्त वैभव रॉय को भी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने एक नया कदम आगे बढ़ाया है, और ईश्वर अल्लाह आपका जो है हमेशा साथ दे और हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहें। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नया प्रोडक्शन हाउस खुलता है और कलाकारों के लिए कितना है? बहुत महत्वपूर्ण है, जितने प्रोडक्शन हाउसेस खुलेंगे उतने हैं मतलब काम बढ़ेगा, और नए नए जो प्रोडक्शन हाउस खुल रहे हैं वो अभी पिछले कई प्रोडक्शंस को देखकर मतलब उससे एक अनुभव लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच बैठे हैं ये वैभव राय जी, आप ये जो कंपनी है कुकी इंटरनेशनल एंड कॉलटेक्स, गोविंद गिरी जी हैं, नवीन पाठक जी हैं, फिर अभय राय जी के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे अभी मतलब बैठे हैं, आप अवनी अग्रवाल जी हैं फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो जितने प्रोडक्शन हाउस खुलेंगे मतलब हम सबका फायदा है, आपका भी फायदा है। सर आप शुभकामना देंगे या आशीर्वाद दे देंगे? आशीर्वाद देने लायक तो नहीं हूँ मैं, शुभकामना जरूर दूंगा, इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं अभी कि आशीर्वाद दूँ। हाँ शुभकामनाएं, और वैभव राय हमारे मित्र हैं, साथ में क्रिकेट खेलते हैं और CCL की शुरुआत भी हो रही है। आप लोगों को मैं एक नई जानकारी दे दूं कि इस बार जो CCL है भोजपुरी क्रिकेट लीग वो दुबई शारजा से शुरुआत हो रही है, तो आप लोग TV पर उसका आनंद लें। वैभव राय उसमें खेलते नज़र आएंगे, मैं नहीं नज़र आऊँगा लेकिन मैं रहूँगा ज़रूर। बस शुभकामनाएं एक साथ फिर से सभी को। बहुत खुशी की बात है और कि एक नया प्रोडक्शन हाउस साथ में मिल के आ रहे हैं कुकी इंटरनेशनल और कैल्टेक्स, और साथ में आपका नवीन पटनायक जी है, साथ में वैभव है और गोविंद गिरी जी है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी फिल्में बनाएं, एक अच्छा दौर आया है भोजपुरी का, चीज़ें सुधर रही हैं, लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो एक साफ़ सुथरी अच्छी फिल्में बनाएं जिससे दर्शक वर्ग बढ़े और फिल्में अच्छी बने, यही उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को। जी आप क्या कहना चाहेंगे जो एक नई शुरुआत की एक्टर से क्रिकेटर से? बिल्कुल, एक सपोर्ट मिला। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि क्योंकि फिल्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंपनी से मुलाकात हुई मेरी, जब तो एक अच्छा विचार था इनका भोजपुरी के लिए, एक डिस्कस हुआ हमारा और भोजपुरी में आना था, इनको काम करना था, तो क्योंकि मैं भोजपुरी से हूँ और हमेशा हमारे लिए भोजपुरी सबसे ऊपर है, तो मैं एक अच्छी शुरुआत लोगों का साथ मिला, तो मैंने कोशिश किया कि एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी में आए और सबको रोजगार मिले, काम मिले, और एक साथ 7-8 फिल्में एक साल में बनाने का लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात है कि साल बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी भाई हमारी तरफ से, क्योंकि वैभव बहुत पुराना अपना, मैं बच्चा कहूँ या दोस्त कहूँ कुछ भी कहूँ, और आज वो प्रोडक्शन हाउस जो शुरू किया है, मैं महादेव जी से यही प्रार्थना करूँगा इस प्रोडक्शन हाउस पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें और उसे साहस हिम्मत और सामर्थ्य दें कि इस प्रोडक्शन हाउस को हमेशा चला सके वो। जी सर, क्या कुछ शुक्रिया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कुकी इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस, एंड आई विश यू कि जो भी इन्होंने स्टार्ट किया है वो बहुत आगे तक जाए, बहुत दूर तक जाए, और जो भी नए हैं पुराने हैं जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो भी नए स्ट्रगलर्स हैं जब हैं, सबको एक अच्छा अवसर प्रदान हो और बहुत आगे तक कंपनी जाए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अशोक गिरी जी एंड मिस्टर वैभव जी। सर क्या कुछ शुभकामना आप देना चाहिए? मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं अशोक गिरी जी, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आकर किस इंटरनेशनल फिल्म्स के प्रोडक्शन हाउस के ओपनिंग में आया हूँ। मैं बोलते ना कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा अशोक गिरी जी को और वैभव जी को ये प्रोडक्शन हाउस के लिए। मैं चाहूँगा कि ये फिल्म, ये प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी, हिंदी और जैसा नाम है क्लिफ इंटरनेशनल फिल्म्स, उसी तरह इंटरनेशनल फिल्म्स भी बनाए और काफ़ी सक्सेस पाए अपने फिल्म इंडस्ट्री में और काफ़ी नाम हो।